ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕੇ, ਆਜ ਉਨਕੇ ਰਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸੜਕ ਪਰ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣੇ ਕੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भाई सब पैसा हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश तड़ौता की राम राम। यहाँ पर भाई नरवाना का जो विश्वकर्मा चौक है भाई उसके पास किसान पहुंच चुके हैं भाई थोड़ी देर में, क्योंकि भाई अशोक तंवर जी यहाँ पर कोई कार्यक्रम है जाट धर्मशाला भाई वहाँ पर पहुंचेंगे और किसान उसका विरोध करने के लिए पहुँच चुके। फिलहाल ये देख सके अपने जो झंडे और डंडे लेकर सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को हमें कुछ वायदे करके उठाया था। अच्छा जी, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी और लागत का 1.5 गुना दाम, पूर्ण कर्जा मुक्ति और बिजली का कानून को वापस लेने की बात सरकार ने कही थी। हम चाहते हैं खेतों की बिजली फ्री रहनी चाहिए, गांव में हर घर में हर मीटर पे 300 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए और जितने भी लोग 58 साल की उम्र के हो गए, जितने 58 साल के अगर उनको सबको 10,000 पेंशन, लखीमपुर खीरी के अपराधियों का सजा और 750 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, ये मुद्दे लेकर आज हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जगह जगह हमारे रास्ते रोके, आज उनके रास्ते इसलिए रोक रहे हैं, उन्हें बेरा होना चाहिए कि सड़क पर रास्ता रोकने की क्या प्रतिक्रिया होती है। और सड़कें बढ़ाना सरकार का काम होता है, इन्होंने सड़कों को उखाड़ दिया, दने खोद दिया, खाई खोद दी, इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें खींच दी और सड़कों पर कील गाड़ दी। अब हम बीजेपी के लोगों को और उसके सहयोगियों को यह बताना चाहते हैं, जो रसूख तुमने हमारे साथ किया 4 साल, वो रसूख हर गांव में हर मोहल्ले में हर गली पर आपके साथ होगा, इसके लिए अपने आपको तैयार कर करना। मास्टर जी एक बात, पहले जनसभाओं का विरोध होता लेकिन चाय पानी पर विरोध पहली बार देखने को मिला है। बिल्कुल भी विरोध नहीं, चाय पानी का कोई विरोध नहीं। ब्याह शादी है, जिस भाई के ब्याह में उतनी खुशी है, हम डिस्टर्ब करने गए इसीलिए सार्वजनिक जगह पर खड़े हैं और कोई चाय पानी नहीं। आप देखो प्रोग्राम में जनसभा लिख रखी है और हम जनसभा का विरोध कर रहे हैं, ना कि किसी के जलपान का चाय पानी का, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हम। तो जैसे गाड़ियाँ बिल्कुल तेज की गई और कहीं ना कहीं कई किसान रोकने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की। चलो ये बिल्कुल गलत था और रुक जाना चाहिए था, उसने हमारे से पूछना चाहिए था कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों खड़े हो। ये डरपोक है और ये बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, ये बात नहीं करना चाहते मोदी से लेकर और एक कैंडिडेट तक, सबका यही नजरिया है जो बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र की हत्या है ये, लोकतंत्र में सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, दुकानदार हो, सबकी आवाज सुननी चाहिए। ये किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते और आवाज को दबाना चाहते हैं। वो तो कुछ भी कहें लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल में आप सभी को जानते हो, इनमें गैर किसान कोई नहीं है और गैर किसान को क्या हक नहीं है विरोध करने का। मजदूर को, कर्मचारी को, दुकानदार को, छोटे छोटे कारोबार करने वालों को, क्या उनको कोई अधिकार नहीं है? वो भी विरोध कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ प्योर किसान है और हमने 3 बजे पता लगा था। आज गांव से लोग नहीं बुलाए, यदि इनमें इतना दम है तो यह घोषित करके आए 4 दिन पहला 2 दिन पहला, कहां पर सभा करेंगे। हम भी अपनी तैयारी के साथ आएंगे। हरियाणा का 1.5 महीना बाकी है चुनाव को लेकर, लेकिन क्या इसी तरह से विरोध है या कुछ बातचीत होगी? इससे ज्यादा तेज होगा विरोध, बीजेपी और जेजेपी इनके लगे बग्गों को किसी गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है जी, धन्यवाद।